जय हिंद दोस्तों, 30 दिन की जर्नी का 14वां दिन है। दो हफ्ते निकल गए। हमने शुरू कन्याकुमारी से, फिर हम गए कोची, वहाँ से बैंगलोर, गोवा, और अब मुंबई में मेरा आज आखिरी दिन है। कल सुबह की ट्रेन की टिकट हो रखी है अपनी। रात मैंने यहीं स्टेशन पे गुजारी। स्टेशन पे थोड़ा मतलब ये बाकी स्टेशन से ज़्यादा भीड़ वाला ये स्टेशन था, तो बीच बीच में उठना भी पड़ रहा था। थोड़ी ठंड भी लग रही थी, तो मैंने गोवा वाली टी शर्ट ऊपर से ओढ़ ली तो काम चल गया। बट यहाँ पे सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट मेरा ये वे का पास रहा, जिसको आप ले सकते हो। आई थिंक 80 रुपीज़ का आपको ये मिलता है एक दिन का, और मैंने लिया था 3 दिन का 115 में। आप अनलिमिटेड लोकल में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो मुंबई में। तो ये बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट रही 115 रुपये की, जिससे मेरे को फ़ायदा हो गया और मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता था, कहीं पर भी लोकल में जा सकता था। तो कल के एपिसोड में जिन्हें मैंने बात करी थी अपने पेरेंट्स के बारे में, उस एपिसोड को देखने के बाद हिमांशु, जो ख्याल ऐप के फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे रीच आउट किया और बताया अपने ख्याल ऐप के बारे में। इंडिया की फर्स्ट सीनियर सिटीजन सेंट्रिक ऐप बनाई है उन्होंने। कल मैं एक्सप्लोर कर रहा था, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया, उनको डाउनलोड कराया। उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स है, जैसे आप इवेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन इवेंट गेम्स होते हैं ऑनलाइन, जैसे तंबोला वगैरह, जो सीनियर सिटीजन को काफ़ी पसंद आते हैं, और उसमें ये कुछ प्राइस भी रखते हैं, तो और मज़ा आता है उनको खेलने में। सीनियर सिटीजन्स की जो नीड होती है उसको ख्याल में रखे हुए बनाया गया है पूरा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर करना। मैं आपको फीडबैक दूंगा जो मेरे पेरेंट्स यूज़ करके बताएंगे। तो यार सुबह से स्टेशन के आसपास थोड़े बहुत मैंने मोबाइल कवर बेचे, बट फिर मेरे को लगा कुछ अलग करते हैं, थोड़े लोकेशन चेंज करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पवई लेक के साइड चला जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कुछ अलग सा, कुछ बिजनेस अगर कुछ मिल सके या कहीं काम मिल जाए, क्योंकि अपनी ट्रेन कल की है तो अभी टाइम है अपने पास, सुबह की ट्रेन है, तो देखते हैं कुछ वहाँ चल के। तो चलो चलते हैं। हाय सर। और बढ़िया, आप बताओ। थैंक यू। कैसे हो आप लोग सब सीनियर्स? क्या प्लान कर रहे हो? पहले एकेडमी में मार के इतनी मारी हो, कम नहीं पड़ा क्या? प्लानिंग टू गिव 50,000 टू यू। ओके, करना पड़ेगा। डेयर एक्टिवेट कर रहे हो? एक्टिवेट क्या मतलब यार, तेरे लिए तो पहुंचे यार, तेरे लिए कोई डेयर है नहीं वैसे। जस्ट अ स्मॉल टास्क, एक कुछ थाली खानी है यार, एक सिंपल सी थाली खानी है। वो तो मैं कहीं भी खा लूंगा, इतने दो दिन से अच्छे से खाना भी नहीं खाया है, वो तो मैं अभी जाके खा लूंगा 2 मिनट में। पर मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है कि कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। तो यार ये लोकेशन के पास तो मैं पहुँच गया हूँ, अभी जाके मैं देखता हूँ क्या है थाली का चक्कर, क्योंकि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो चलो पहले फटाफट वहीं चलते हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ रेस्टोरेंट, अब आ रही है अपनी थाली, देखते हैं क्या माजरा है। ये एक जन्म के हैं। ये कौन सी ताली है सर? ठीक है सर, मैं करता हूँ ट्राई, लेकिन लेकिन मैं आपके और मैं डबल वेजर कर रहा हूँ, अगर मैं पूरी थाली खा ली तो आपको मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, डन ना? चलो करता हूँ मैं ट्राई। ठीक है, सीनियर्स ने डेयर दिया है, करना तो पड़ेगा ही, 500 रुपये की अपनी बेट भी लग गई है इसके ऊपर। यार स्ट्रेटजी ये है कि सब्जियां तो मैं होपफुली ख़त्म कर दूंगा, ब्रेड्स जो है, ये जो रोटी है, नान है, मिसी रोटी है, और ये जो नीचे कबाब वगैरह हैं, इनको मैं बाद में खाऊंगा, क्योंकि ये फिर मेरे को थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। ये सब तो मैं आराम से कंप्लीट करूँगा, डेजर्ट्स भी कर दूंगा, ये लस्सी वस्सी मैं पी लूँगा, बट देखते हैं। एक लूप होल है जो मैंने सोच लिया है, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये थाली कितनी देर में खानी है, तो अब मैं यहाँ बैठूंगा 3-4 घंटे, इसको ख़त्म तो करके जाऊँगा। वो सीनियर्स जरूर है, पर हम भी जूनियर्स उनसे आगे ही चलेंगे। तो अभी मैं शुरू करता हूँ, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, इतनी सारी चीज़ें गोलगप्पे अलग से रखे, इनसे शुरू करता हूँ। थोड़ी बीच में एक्सरसाइज कर लेता हूँ, शायद थोड़ी और भूख लग जाएगी, फिर खाता हूँ। थोड़ी एक्सरसाइज करके अब लग रहा है भूख और लगेगी, फिर चालू करते हैं।
यार बस हो गया, अभी 4 घंटे ऑलमोस्ट हो गए। मैंने शुरू किया था 1 बजे, अभी 5 बजने वाले हैं, हो गया टाइम। अब मुझे आके भी जाना है, सुबह की ट्रेन भी पकड़नी है, तो अभी और तो नहीं मैं खा सकता। भी जितना हो सकता था मैंने किया। आई थिंक अगर ये 100% की थाली है तो इसमें से मैंने 67-69% कंप्लीट कर लिया है। इससे ज़्यादा और नहीं हो पाएगा, वरना बीमार भी नहीं पड़ना, उल्टियाँ करने लग जाऊँगा मैं यहीं पे। अभी का डेयर यहीं ख़त्म करते हैं। बोलता हूँ सर को कि सर देखो 67-70% मैंने खा लिया है, तो एक तरह से देखा जाए तो मैं बेट जीत गया हूँ, क्योंकि 100% तो आई एम श्योर कोई नहीं खा सकता इसको। तो बात करके देखते हैं, शायद अपने बेट के पैसे मिल जाए। तो यार बचा हुआ खाना मैंने पैक करा लिया है, क्योंकि ये वेस्ट नहीं कर सकता मैं, और रात को भी काम आ जाएगा, होपफुली सुबह ब्रेकफास्ट भी मैं इसी से कर सकता हूँ। बट अभी मैं चलूँगा, लास्ट नाइट है मुंबई में, बैंड्रा की तरफ। कार्टर रोड बताया है कि अच्छी जगह है, वहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा और देखूँगा क्या किया जा सकता है अपनी लास्ट नाइट मुंबई में। और अगर आप भी आसपास हैं तो आ जाना। यार हम आ गए हैं बैंड्रा, सलमान भाई के घर के सामने खड़े हैं। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? यहाँ से चलेंगे बैंड स्टैंड, वहाँ लोगों से मस्ती करेंगे, बातें करेंगे। मेरी आखिरी रात है मुंबई में, तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम जितने लोगों से बात कर सकूँ, मुंबई की पल्स को जान सकूँ, और ये सारी मेमोरीज़ अपने साथ ले जाके और मैसेजेस लोगों के, जवानों के लिए जो हमारे सोल्जर्स के लिए हैं, वो उन तक पहुँचा सकूँ। तो चलो चलते हैं। ये पीछे जो आपको बालकनी नज़र आ रही है ना, इसी से आके सलमान भाई अपना हाय बाय करते हैं। फैंस को यहाँ भीड़ लगी रहती है पूरे टाइम, पर अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपन चलते आगे। सूरज दादा को प्रणाम कर रहा था, क्योंकि पिछले 10 दिनों के बाद आज नज़र आए हैं बैंगलोर, गोवा, और अब मुंबई में लास्ट दिन हमें सूरज दिखाई दिया है। ताकत ही नहीं रही है। बस हवा निकल गई। तो यार अभी अभी सीनियर्स ने जो बात हुई थी अपनी बैठ की, उन्होंने 500 रुपये भेज दिए हैं। वो बोला कि तेरे एफर्ट से हम खुश हुए, और 70% टाइप जो थाली मैंने कंप्लीट करी थी उस पर मुझे 500 रुपये बैठ में मैंने जीत लिए, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना मैं कर लूँगा। तो अब जब जेब में पैसा आ गया तो अपने कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, अपनी टिकट सुबह की हो रखी है। तो अभी चिल करेंगे यहाँ, मज़े करेंगे, कोई पैसे कमाने की लोड़ नहीं है। अपना बात करता हूँ लोगों से और देखता हूँ क्या है मुंबई का मिजाज। हाय, क्या नाम है आपका? जसमीत। वृषाली। माय नेम इज दानिश खान। ट्विंकल टंडन। कहाँ से हो आप? मैं औरंगाबाद से। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ बेसिकली, बडिंग मेकअप आर्टिस्ट एक्चुअली। आई एम ऑलरेडी बीन सर्टिफाइड, सो आई एम लुकिंग फॉर फर्दर वर्क्स हियर राइट नाउ। कैन यू गिव मी सम टिप्स? आई हैव सम डार्क सर्कल्स। देयर आर सच नो ट्रिक्स, यू जस्ट नीड टू टेक इनटेक मोर ऑफ मोर वाटर, गुड स्लीप, गुड फूड, दैट्स इट। सो आई हैव बीन चिलिंग अराउंड यहां बॉम्बे में, मैंने हर जगह घूमा। आप यूजुअली जब फ्रेंड्स के साथ जाते हो कहां पे चिल करते हो? जो भी कहीं भी कहीं से भी आता है, दे कम नियर बैंड स्टैंड टू विजिट दिस प्लेस, एंड अदर देन दिस देयर आर सम restaurants, cafes, Bandra Fort and all. I'm traveling all the way from Kanyakumari to Kashmir. I'm going to meet the soldiers and hoist the flag on 15th August. So, aapka koi message hai unke liye? Honestly, we're just proud of them. Exactly. I mean, Sikh regiment Zindabad. Because I'm a Punjabi. True. The work they do, you know, the sacrifice they have. Yeah. And salute to their families too. Yes. Who, that's true. Yeah, actually. Exactly. The sacrifice. Yeah. लोग जनरली भूल जाते हैं कि सोल्जर चला जाता है, फिर फैमिली उसके पीछे रहती है, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। उनका सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अपने बच्चे को या यू नो अपने हस्बैंड्स को भेजते हैं। एंड मोर एक्सपोजर इज थ्रू सोशल मीडिया टू, वी सी वीडियोज टू एंड वी फील सॉरी एंड ऑल्सो प्राउड ऑफ देम। द ओनली मैसेज टू आर इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम माई साइड इज थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस, for guarding us actually,
बिकॉज ऑफ देम वी आर एबल टू लिव फ्रीली, वॉक फ्रीली यहाँ बैंड स्टैंड में भी, बिकॉज वी नो कि क्या होता है यहाँ पे. सो बिकॉज ऑफ देम वी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑल द अटैक्स. दैट्स ऑल, थैंक यू. व्हाट्स योर मंत्रा फॉर लाइक सर्वाइविंग इन बॉम्बे? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क. दैट्स इट. आई थिंक लिव इन योर प्रेजेंट. आई एम स्टार्टिंग फिजियोथेरेपी. You know, I did give some massages in beaches. Okay, so let me clarify. Physiotherapy is not about massage at all. अभी इधर मन्नत पे आए थे. अच्छा, देखा है शाहरुख मिला क्या? हाँ, नहीं अभी कैसे मिली? अभी जाके हम चेक करते हैं. तो यार, सलमान भाई के घर से घूम फिर के बैंड स्टैंड से हम आ गए शाहरुख भाई के घर. देखते हैं यहाँ पे लोग, इतने फैंस इनके इकट्ठे हो रखे हैं, ये कहाँ से आए हैं, और बात करते हैं इनसे, पूछते हैं. चलो. तो भाई, ये किधर इतना भीड़ क्यों है? भाई, शाहरुख के घर के पास सब उनके फैंस आए उनसे मिलने के लिए. अच्छा, ये शाहरुख का घर कौन सा वाला? ये मन्नत. ओ अच्छा, और आप कहाँ से आए? मैं गोवंडी से आया हूँ भाई. और आप? क्या करते हो तुम लोग? हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं. पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, कॉलेज चालू. कौन सा फेवरेट मूवी शाहरुख का? शाहरुख का पठान. पठान, पठान. हाँ, डांस करके दिखाओगे पठान कैसे? अच्छा, बहुत सही, बहुत सही. ओके, शुभम कहाँ से आए हो? मैं पटना से आया. अच्छा, पटना से पूरा आए हो क्या शाहरुख का घर देखने? जी जी बिल्कुल. क्या बहुत बड़े फैन लग रहे हो, जबरा फैन हो क्या? जी बिल्कुल. अच्छा, कौन सा फेवरेट मूवी शाहरुख का? डीडीएलजे. डीडीएलजे, तो ये तो बहुत पुराने टाइम से फैन हो मतलब. आता है शाहरुख यहाँ पे? हाँ आते तो हैं. दिखा कभी? नहीं, दिखे तो नहीं है, बस उसी उम्मीद में आता हूँ कि दिख जाए. चलो, और बहुत बढ़िया. ये बात देखो, इतनी भीड़ है यहाँ पे, फिर गाड़ियाँ उठा उठा के कैसे लेके जा रहे हैं. अब ये भागेंगे आरटीओ ऑफिस फिर. तो यार, 30 दिन की अपनी जर्नी का 14वां दिन था, जहाँ मैं कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहा हूँ एलओसी तिरंगे को लहराने के लिए 15 अगस्त पे. हमने शुरुआत करी थी कन्याकुमारी से, फिर वहाँ से कोची, फिर बैंगलोर, गोवा, और उसके बाद हम आए मुंबई. दिन हमारा सही निकला, क्योंकि सुबह थोड़े बहुत मोबाइल कवर बेच के मैं सोच ही रहा था क्या करना है, कि आर्मी के सीनियर्स ने मिलके मेरे को दिया जैगवार्स 93 कोर्स ने डेयर 50,000 डोनेट करके, बाहुबली थाली खाने का. वो मैंने कोशिश तो करी, पर मैं पूरी नहीं खा पाया. हालांकि उन लोगों ने इसको मान लिया और मेरे को दे दिए 500 रुपये, जिस वजह से मेरे को आगे की सिटी में अब आराम हो जाएगा. यहाँ आया मैं बैंड स्टैंड पे, वहाँ घूमा, लोगों से बात करी, आमची मुंबई के बारे में और बहुत जाना. अभी हम चलेंगे आगे नेक्स्ट सिटी, क्योंकि मेरे को अब वहाँ पहुँच के जल्दी जल्दी कवर करना है डिस्टेंस, क्योंकि समय कम है, जाना बहुत दूर है. और अपना जो टारगेट है आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड के लिए 10 लाख रुपये रेज करने का, उसमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है. आज आप लोगों ने काफ़ी डोनेट किए हैं, और डोनेट करते जाइए, और आगे हम बढ़ते जाएंगे. इसी तरह आपको एंटरटेन करते रहेंगे. चैलेंजिंग जर्नी है, बट कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दे के आगे बढ़ते रहें. नेक्स्ट सिटी की मेरी ट्रेन सुबह की है, लेकिन मैं स्टेशन अभी चला जाऊंगा यहाँ से थोड़ी देर बाद, आराम करके, समुंदर के मज़े लेके. सुबह जल्दी ट्रेन में बैठ के अगली स्टेशन पहुँच जाएंगे, और आपसे मैं तभी मिलता हूँ. दिस इज़ कैप्टन शशांक साइनिंग ऑफ. जय हिंद.